हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन फॉर्म है एनईपी के, जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया था, वो फॉर्म आपके कब तक आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप जैसा कि थर्ड सेमेस्टर के जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं, और इसी के बीच जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके भी आप कहीं ना कहीं मन में ये बात आ रही कि सर हमारे एडमिशन कब शुरू होंगे, थर्ड सेमेस्टर के हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको अपडेट देने आया हूँ। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं कॉलेज अपडेट, जहाँ पर हम आपको एसओ से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी ऑथेंटिक। जैसा कि हमने बोला भी था, आपके जो एडमिशन है शनिवार को और मंडे को देखने को मिलेंगे। तो फाइनली शनिवार को इन्होंने थर्ड सेमेस्टर के जो एडमिशन है वो शुरू कर दी है, और वहीं फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन है वो हमें कल के दिन देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, सोमवार को आपके फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन फॉर्म है वो आपके डैशबोर्ड पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म करके आपके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। पूरी वीडियो लेकर आएंगे, पूरा आपको अपडेट देंगे जब भी फॉर्म आपके आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अब कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फीस क्या जा रही है। देखिए, फीस थोड़ी सी आपको बढ़कर सो होगी, ये चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। फीस बढ़ गई है, ये चीज़ें आपको अभी बताना काफ़ी ज़रूरी है। फीस जो है वो आपकी बढ़कर सो होगी। इसके अलावा जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं होगी क्योंकि कल फॉर्म आ जाएंगे मंडे के दिन। तो लास्ट डेट के लिए एसओएल ये कहता है कि आपका जो फॉर्म है वो आप एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले तक फिलअप कर पाओगे। वहीं सेम प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को आएगी जो बच्चे जिन्होंने रीवैल्यूएशन डाला हुआ है या जिन्होंने अब्सेंट के लिए अपनी आंसर शीट सबमिट की हुई है। तो देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कल जब भी फॉर्म आएगा उसमें आपके ईआर सब्जेक्ट जो भी होंगे वो भी शो करेंगे इंप्रूवमेंट के लिए, प्लस जो आपके फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट है उसकी पेमेंट भी आपकी शो करेगी, वो भी सब्जेक्ट आपके शो करेंगे। अब ऐसी कंडीशन में आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप उस फॉर्म को फिल कर दो, या आप एक काम कर सकते हो, आप एसओएल पहले जाइए, एसओएल जाकर उनको बोल सकते हो कि सर मेरा फॉर्म आज आ चुका है और क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ ईआर है। तो आप बता दीजिए अगर मेरा रिजल्ट अपडेट होता है या कितने दिन में होता है, क्योंकि आपको पूरा एक महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आज शुरू होंगे कल खत्म होंगे। तो फाइनली फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन है वो कल से शुरू हो रहे हैं। थोड़ी सी पेमेंट जो है वो अपने पास रखना, तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये तक आपके पास होने चाहिए, क्योंकि हमने देखा थर्ड सेमेस्टर के जो एडमिशन फीस है वो 9 हज़ार रुपये कुछ गई थी, जो बच्चे बिल्कुल क्लियर पास है। ये जो आपकी फीस लगेगी कल के दिन, ये आपकी फीस पूरे एक साल की लगेगी, इसमें दोनों सेमेस्टर इंक्लूड होगी, जिसमें सिक्स सेमेस्टर के जो रजिस्ट्रेशन होगा, सब जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा वो आपके नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, क्योंकि अभी उसका सिलेबस तैयार नहीं है। बट फिफ्थ सेमेस्टर में ही आप दोनों ईयर दोनों सेमेस्टर की जो फीस है वो पे कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी। तो फाइनली फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन फॉर्म है वो हमें कल देखने को मिल जाएंगे, और बाकी अपना डैशबोर्ड चेक करते रहिए। देखिए, एसएल को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने दो दिन बोला था, शनिवार और मंडे, हम दोनों दिन शुरू करेंगे, यानी शनिवार को थर्ड सेमेस्टर के शुरू किए गए। तो आप इतना कन्फर्म है कि मंडे कल है, तो कल आपका ही होगा। तो आज संडे है, अगर हो सकता है आज आ जाए, बट आज तो ना के बराबर चांसेस, और डैशबोर्ड चेक करते रहिए, ठीक है। और बाकी हो सकता है कि कल सबको फॉर्म शो ना करे, क्योंकि धीरे धीरे करके शो होंगे, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, आराम से फिल करना। कल जैसी फॉर्म आ जाए उसके एक से दो दिन बाद ही आप फॉर्म फिल करें, वो अच्छा रहेगा। बाकी मैं वीडियो कल डाल दूंगा, बट उस चीज़ से बचिए। एक चीज़ और, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का यूज करें पेमेंट करते टाइम, क्योंकि इसमें पेमेंट जल्दी कन्फर्म होती है। बस इतना ही मुझे आपको बताना था, कल आपके जो एडमिशन फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसी फॉर्म आ जाएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। थैंक यू।